तो इन्होंने ये इतना सही किया कि लाके अच्छे अच्छे दिन लाके सड़क पे दिखा दिए कि अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। इन्होंने किसान से ये वायदा किया था, हमारे हमारे पिताजी से, सब हमारे ही पिताजी हैं, भाई बहन किसान, हम भी तो किसान ही हैं। इनसे ये वायदा किया हम तुम्हारा किसानों का जो है ऋण माफ़ करेंगे, तो एक का माफ़ किया, वो भी हमारे पैसे थे, हमारे रोक दिया, हमें लाके फुटपाथ पर खड़ा कर दिया, हमारा ही पैसा हमारे किसान भाइयों को, हमारे माता पिता बहन भाइयों को वो दिया। अब इस कंडीशन में आप ये समझिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमने बच्चों को अपने एडमिशन करा रखा है, किस कंडीशन में बच्चे हमारे पढ़ेंगे? हमारे बच्चों को तो प्रिंसिपल वगैरह ये स्कूल के टीचर निकाल के बाहर कर देंगे। इस वक्त कंडीशन ये है कि इतने बुरी कंडीशन में शिक्षा मित्र हैं, योगी जी ने और मोदी जी ने जो ये कहते हैं कि भाइयों बहनों की लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया कि ये विकास, कि सबका विकास करें, किसका विकास कर रहा है? सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं, सभी का विकास, ये सबका विकास हो रहा है सड़क से। ये अच्छे दिन जो दिखाए जा रहे हैं कि सबके अच्छे दिन आएंगे, अच्छे ये सबके अच्छे दिन आ गए। योगी जी ने इतने बड़े मक्कार सरकार हमने नहीं देखी, हम भी अब बुढ़े हो गए। सरकारें हमने बहुत देखी, बहुजन की, सभा की, कांग्रेस की, इनसे बड़ी मक्कार, झूठी मक्कार हमने सरकार नहीं देखी, चाहे केंद्र में हो या यूपी में हो। क्योंकि जब ये शिक्षा मित्र हम लोग जब नखलाऊ गए थे तो योगी जी ने बताते खुद एक चौकीदार, या चौकीदार कहते हैं मंत्री को, जो इनके मंत्री हैं, जिसालों के पास योग्यता ही नहीं है, उसकी बात को झुठला दिया जाता। मगर योगी जी जो अपने आप को योगी और बाबा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, वो झूठे मक्कार। उन्होंने हम लोगों से ये कहा, हमारे जनप्रतिनिधियों से ये कहा कि हम 3 दिन में सचिव, जो मुख्य सचिव वगैरह इनकी कमेटी बनाने के बाद में आपका 3 दिन में फैसला कर देंगे। सही, तो देखिए 3 महीने में यहाँ बता दिया उन्होंने। 5 आदमियों की कमेटी बनाई थी, 5 आदमियों की कमेटी बनाई थी, तो कमेटी ने कहा कि जो योगी और मोदी कहेंगे वही तो अधिकारी करेंगे। भाई जो योगी और मोदी कहेंगे वही तो अधिकारी करेंगे, भाई वो तो इनके मातहत हैं, वो तो इनके मातहत हैं। तो ये एक नंबर के फ्रॉड हैं, ये रामदेव से कम नहीं है और बाबा राम रहीम से। जब सरकार आएगी इनके भी चुट्ठे खुलेंगे। ये चुट्ठे ले रहे हैं वो जो पंतजली वाले हैं, बाबा जी हैं, अरबों रुपए संपत्ति ले लिया, अंबानी जी हैं, इनको लीजिए, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो हम बेचारों गरीबों की कंडीशन को लागू कर दिया इन्होंने। देखिए बच्चे को अभी आपने देखा, ऐसे मासूम बच्चे मेरे भी उधर पलित्रा बैठे हुए हैं, और परसों पल्ले दिन अल्टीमेटम दे दिया है प्रिंसिपल साहब ने कि आप अगले महीने 73,000 जमा नहीं करेंगे। मालूम हो गया ना कंडीशन हमारी, कम सड़क पर आ गए, उनका आप 73,000 जमा नहीं करोगे आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब बताइए जब मेरी कंडीशन ये है तो इनके बेचारों की क्या कंडीशन होगी? समझे? और जो बच्चे अब हमारे शादी के काबिल हो गए इसी भरोसे पे थे, शादी अच्छे रिश्ते अब हमारे जो आ रहे थे वो ख़त्म। सर जो रिश्ते अच्छे आ रहे थे इस कंडीशन में आ रहे, माल मिलेगा क्यों बात, इन्हीं जैसे हो गए भाई लड़के वाले भी, जैसे योगी हो मोदी, माल मिलेगा, माल टीचर है, बाहर टीचर है, माल मिलेगा, खाते मिलेगा, माल होने का फिर चाहूँगा, रिश्ता ख़त्म। तो सर निवेदन आपसे यही है कि आपकी बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आप हमारे पास आए, आपने पूछा और इनको तुरंत इनकी कंडीशन है। स्वास्थ्य चैनल वाले दिखा रहे हैं 30,000, 35,000, 40,000, जरा आपने देखा खुद ही देखा, ये 2,25,000 शिक्षा मित्र है यहाँ पे, और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि 2.5-3 लाख है, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ में आया हूँ। सब लोग फैमिली परिवार के साथ में आए, तो ये हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे योगी जी आ जाए या मोदी जी आ जाए, वो शाह आ जाए, चार ही चाल शाह की अमित शाह भाई एक ही बातें समझ गए, शाह जी की चाल है सारी, इन्हें चाहिए माल, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने कंडीशन कर दी खराब, अब वो लूट रहा है पूरे हिंदुस्तान को, और जो बचा कुछ था यूपी में जो कुछ काम सही था वो भेज दिया वहाँ योगी। जो मुख्यमंत्री अपना जिला नहीं संभाल सकता, जो मुख्यमंत्री 4 महीने से अपना जिला नहीं संभाल, जो पावर है फुल ताकत में, जो अपना जिला नहीं संभाल सकता इतनी बड़ी यूपी को क्या संभालेगा? कितना हमारे बच्चों को वहाँ मरवा दिया, 2 दिन पहले वहाँ गए थे तो क्या करने गए थे? अंडे निगोलने गए थे वहाँ, आप प्रशासन को देखने तो गए थे भाई कैसी व्यवस्था है, मगर वहाँ ये करने नहीं गए थे योगी जी, वहाँ गए थे कमीशन 10% चाहिए, क्योंकि उस पर दस्तखत नहीं करे पैसा वहाँ पहुँचा नहीं, कमीशन भाई वही मांग रहे हैं। ऑक्सीजन वाला कंडा जो है 68-72 लाख का, समझे? वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, सिद्धार्थ सिंह, जब तक दस्तखत नहीं कर रहे थे 10% चाहिए, हमारे बच्चों को मरवा दिया वहाँ,
हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हमारे बच्चे थे वो, हमारे बच्चे थे, हमारे मरवा दिया 10% के चक्कर में। क्यों, तुम्हें नहीं पता था ऑक्सीजन नहीं है? तुम दो दिन पहले गए थे, आपके पास रिपोर्ट आ रही थी कि आपको ये रिपोर्ट दे दिया, जिसकी एजेंसी है वो ये रिपोर्ट दे दिया कि भाई मेरा पैसा नहीं आया, मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा आपको। आप दो दिन पहले गए हो, आपको नहीं मालूम।